पिछले दिन पर्ल आई हॉस्पिटल नज़दीक संघा चौंक ग्रीन मॉडल ते जलंधर विखे दो नर्सां ते जानलेवा हमला किया गया सी, जिस दे विच के बलजिंदर कौर दी मौके ते ही मौत हो गई ते दूजी जख्मी नर्स नूं हॉस्पिटल विच भर्ती करवाया गया सी। इसी दे चलदे पुलिस ने तेतर हथियार नाल वार करके मर्डर करने वाले दोषी नूं गिरफ्तार करने विच सफलता हासिल की है। उत्थे दोषी सतगुर सिंह दी उम्र करीब 34 साल है अते ओह कुआरा है अते नगर कौंसल मंडी गोबिंदगढ़ विखे माली लग्या होया है। दोषी ने दौराने पुछगिछ दस्सिया कि मृतक बलजिंदर कौर नाल असां करीब 4 महीनों तो सोशल नैटवर्किंग ऐप राही जुड़िया सी अते ओह उस नाल विआह करवाउणा चाहुंदा सी, जो पिछले थोड़े दिनों विचों इन्हां दी आपस विच अड़मण हो गई अते ओह इसे गुस्से कारण मिति 24/8/2022 दी रात नूं अपने पिंडों ट्रेन राही वारदात विच वरत्या छुरा नाल लै के जलंधर आया अते हस्पताल दी कंध टप के अंदर दाखिल होकर तैश विच आके बलजिंदर कौर दा कतल कर दिता अते उस दे नाल सुत्ती उसदी सहेली ज्योति परमार वल्लों विरोध करन ते उस ते भी वार करके मार देण दी नीयत नाल मौके तों फरार हो गया। दस दिए कि इस दोषी नूं वारदात दे 24 घंटे दे अंदर अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सर कल पल हॉस्पिटल दे विच एक नर्स दा मर्डर होया है, नाल जिहड़ी साथी सी इंजर्ड होई है, ते आरोपी ने किस तरह ये मर्डर किया जा? आरोपी रात नूं ट्रेन राही मंडी गोबिंदगढ़ तों जलंधर आया, उस तों अगे हस्पताल पुज्जिया और हस्पताल दे विच सरप्राइज एंट्री लई पौड़ियां चढ़ के ये दोनों लड़कियां उपर छत ते उठियां पईयां सीढ़ियां, उन्हां ते चाकू नाल अटैक किया। एक लड़की इस अटैक के दौरान जिसका नाम बलजिंदर कौर है उसकी मौके पर ही डैथ हो गई और दूसरी लड़की जी उसकी उसके गंभीर सट्टा लगियां, उस वेले उसकी हालत भी गंभीर सी, उसका ऑपरेशन किया गया है, 5 घंटे ऑपरेशन चलिया है, हूँ उसकी हालत वैसे स्थिर सी। आरोपी को पता सी कि जी दोनों कुड़ियां उपर छाते सुतियां सी ते जी ज्योति सी उहदी इन्हां नूं भेट होई? सर सामने देख के रिप्लाई कर, ऑब्वियसली जानकारी तो होएगी, कुछ न कुछ प्रायर नॉलेज तो बगैर इस तरह का क्राइम प्लान नहीं किया जा सकता। सो हाँ, 2 घंटे पहला आ गया सेगा, प्रायर नॉलेज सीगी और बाकी किवें इन्हें प्रायर नॉलेज अक्वायर की उस बारे तफ्तीश के असी ये गल क्लीयर करा। और ਇਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲੀਡਸ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ? ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਨਿਖੇਧਾਤਮਕ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗੇ ਆਰੋਪੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ।